दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों हम लोग यही कोई 10-12 दिन हुए अमेरिका में हैं और हम लोगों को और आप सब लोगों को एक एहसास होता है कि जब हम अमेरिका में पहुंचेंगे तो वहां पर हमको भारतीय खाना या भारतीय कल्चर या इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे और हमको वहां के नॉन वेज और ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अमेरिका के किसी भी शहर में जाइए, उसकी मार्केट में जाइए, तो आपको वहाँ पर इंडियन स्टाइल के रेस्टोरेंट भी मिलेंगे और काफ़ी हद तक इंडियन कल्चर वहाँ नज़र आता है। लेकिन न्यू जर्सी में यहाँ पर एक पर्टिकुलर मार्केट है, इस रोड को बोलते हैं इंडियन स्ट्रीट, जिसमें आपको आलू का पराठा से लेके पानी पूरी से लेके छोले भटूरे से लेके हर चीज़ वो मिलेगी जो आपको इंडिया में मिलती है और जो भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता और भारतीय परंपरा का खाना है वो आपको यहाँ मिलेगा। तो आप अगर यहाँ पर आएँ तो बिल्कुल ना घबराएं, आज हम आपको इसकी सैर कराएंगे और दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह का इंतज़ाम है और हमको सब कुछ यहाँ पर मिलता है। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं हमारे साथ। दोस्तों यहाँ की शॉप में देखिए, भारतीय परंपरा के हर ईश्वर भगवान की मूर्ति यहाँ पर मौजूद है। आप इतनी मूर्तियाँ शायद इंडिया में मिलनी मुश्किल हो जाए जितनी कि यहाँ पर आपको मिल जाती है। अगर आपका मन पानी पूरी खाने का है या कि पाव भाजी में आप इंटरेस्टेड हैं तो देखिए बिल्कुल रेडीमेड आपके पास है, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और आप इसका आनंद ले सकते हैं। इस स्ट्रीट की दुकानों पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा में बात कर सकते हैं और बात समझ सकते हैं। हालांकि कुछ साउथ इंडियन हैं, कुछ गुजराती हैं, लेकिन फिर भी हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्थ इंडिया से लोग आते हैं वो अच्छी हिंदी बोलते हैं और हिंदी ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। दोस्तों इंडिया में तो बिग बाज़ार फेल हो गया, लेकिन अमेरिका में अभी चल रहा है और ये इंडियन स्ट्रीट में आपको बिग बाज़ार मिलेगा जिसमें हर तरह का सामान यहाँ मिलता है। हालांकि इस समय जाम लगा हुआ है और सड़क पार करना भी मुश्किल हो रहा है, तो चलते हैं बिग बाज़ार में क्या मिलता है यहाँ देखते हैं। और बहुत से हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट हैं, ये बीकानेर वाला है और एक और मुझे जो बच्चों ने बताया ये ऑनेस्ट के नाम से है एंड मुझे बताया गया है कि बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। चलिए इसमें चल के देखते हैं क्या मज़ा है यहाँ पर। From India. तो दोस्तों यहाँ पर हमारी शॉपिंग इंडियन स्ट्रीट की पूरी होती है और बहुत सारे थैले मेरे पास हैं और कुछ इधर रखे हैं और बहुत मज़ा आया और हमने पूरा इंडिया का मज़ा यहाँ पर लिया है और इसके साथ हमारी शॉपिंग तो पूरी हो ही गई है, साथ साथ हमारा वीडियो भी यहाँ पर पूरा होता है। किसी नए वीडियो के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शबा खैर, जय हिंद।